फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएमसी इंदौर। मैं साक्षी, आप सभी का सीएमसी इंदौर में हार्दिक स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, सभी लोग हमारे साथ लाइव जुड़ जाएंगे। वैसे भी आप लोगों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, 12 तारीख से आपके पेपर है, तो कमेंट करके बताओ कि पहले दिन किसका पेपर है। सबसे पहली बात तो हेलो दिव्या, प्रियल, गरिमा, प्रवीण, वर्षा, वैष्णवी, है ना, सभी लोग हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल, है ना। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इंदौर में किसका पेपर है, कहां पर सेंटर है आपका, और पहली शिफ्ट पहले दिन किसका पेपर है, 12 अगस्त को किसका पेपर है आप लोगों में से, जरा मुझे ये तो बता दो। हेलो युवराज, है ना, कृष्णा, खुलेगा तब तो बताएंगे। अरे खुलेगा, कल तुम लोग बोल रहे थे मैडम एडमिट कार्ड कब आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, पेपर कराएंगे कि नहीं कराएंगे। मैंने क्या बोला, आ जाएगा एडमिट कार्ड, और आ गया, रात को 11 बजे एडमिट कार्ड आया। खुलेगा खुलेगा, है ना, तो कल बोल ही रहे थे एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ। अरे हो जाएगा डाउनलोड, अब एडमिट कार्ड आ गया है तो डाउनलोड भी होगा, ऐसा तो है नहीं कि एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड नहीं होगा। चलिए अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ, कि एंजियोस्पर्म किसे कंसिस्ट, मतलब क्या करके रखता है। तो जल्दी से अब अपनी तैयारी कर लो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है मिक्स क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के ही है, तो देख लो कितने क्या बन रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है, किस लेवल तक आपने पढ़ लिया है। आई होप कि आपने पढ़ तो सब कुछ लिया है, सिर्फ यहाँ आपकी रिविजन क्लास है ये, है ना। तो सब कुछ यहाँ पर देखना है कि आपको किस तरीके से 15 में से आप कितने कर पा रहे हो, है ना। हाँ, तो मम्मी का नाम डालना है स्टार्टिंग 2 लेटर, और उसके बाद फिर अपने आधार कार्ड का 4 नंबर डालने हैं। तो मम्मी का नाम तो पता ही होगा ना, कि वो भी नहीं पता है आधार कार्ड में, देखो आधार कार्ड में तो नहीं होगा, देखो जरा अपनी मम्मी का नाम कहाँ है। तो देख मम्मी का नाम डालना है, क्या डाला था तुमने मम्मी का नाम अपने फॉर्म में, कुछ और तो नहीं डाल दिया, नहीं तो मम्मी तुम्हें गालियां जो देंगी झेल भी नहीं पाओगे, है ना। तो देखते हैं, देखो एंजियोस्पर्म की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमारे दो होते हैं, एक होता है हमारा जिम्नोस्पर्म और एक होता है हमारा एंजियोस्पर्म। क्या होता है, एंजियोस्पर्म, ठीक है, दोनों प्लांट्स में होते हैं। अब यहाँ पर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में अगर बात हो, तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, बीज नहीं होते। क्या नहीं होते, बीज नहीं होते, और इनमें बीज उपस्थित होते हैं। दूसरा होता है ये अनावृत बीजी, इनको कहा जाता है, क्या बोला जाता है, अनावृत बीजी। अगर बीज भी होते हैं तो फल के बाहर होते हैं, और इनको क्या कहा जाता है, इनको बोला जाता है आवृत बीजी। क्या कहते हैं इसको दोस्तों, इसको आवृत बीजी कहा जाता है। और ये कैसे होते हैं, बीज भी होते हैं तो एक बीज होगा, एक बीज पत्री होता है, और कैसा होता है, द्विबीज पत्री होता है। कैसा होता है, द्विबीज पत्री ये होता है, है ना। तो इस तरीके से होता है। तीसरा आपसे इसका क्या पूछा जाता है, एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो देखो पाइनस और साइकस क्या होते हैं, इसका एग्जाम्पल होता है, क्या होता है, पाइनस और साइकस, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब यहां पर एंजियोस्पर्म में देखो क्या है, आवृत बीजी है, तो इसमें क्या पाई जाएगी, इसमें वेसल्स उपस्थित होती है, क्या पाई जाती है, वेसल्स इसमें उपस्थित होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी नंबर का ऑप्शन, इसमें क्या पाया जाएगा, वेसल्स उपस्थित होती हैं, मतलब इसमें वाहिकाएं होती हैं, एक तरीके से इसमें क्या पाए जाते हैं, संवहन ऊतक उपस्थित होते हैं, तो वाहिकाएं पाई जाती हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी और कैल्शियम क्लोराइड के बीच प्रतिक्रिया कौन सी प्रतिक्रिया है। यहां पर आपसे पूछा गया है H2O और कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, इनके बीच जो प्रतिक्रिया होती है, मतलब इनके बीच जो रिएक्शन होती है, वो कौन सी टाइप की रिएक्शन है। तो पानी और कैल्शियम क्लोराइड, तो यहाँ पर किस प्रकार का है, तो देखो ध्यान दो, जो कैल्शियम क्लोराइड है वो क्या कर लेता है, वो यहाँ पर ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है, पानी की क्या कर लेता है, ऊष्मा की ग्रहण कर लेता है। तो एक तरीके से ये किस प्रकार की रिएक्शन है, ऊष्मा छेपी रिएक्शन होती है। किस प्रकार की होती है, ऊष्मा छेपी रिएक्शन यहां पर ये होगी। ऊष्मा शोषी रिएक्शन किसे कहा जाएगा, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का क्या होता है दोस्तों, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। शारीरिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज किसे कहा जाता है, फिजिकल चेंज के बारे में क्या होता है, जैसे कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना और वापस से पुनः उसी अवस्था में आ जाना। जैसे कि मान लो यहां पर क्या है, आपने क्या किया है, आपने
अभी आप करोगे फिजिकल की तैयारी पेपर निकलने के बाद, तो फिजिकल की तैयारी करके मान लो कोई यहाँ पर फैटी इंसान है, मतलब वो इंसान थोड़ा सा अनहेल्दी खाता है और मोटा है, मान लो उसकी तोंद निकली हुई है, क्या निकली है उसकी तोंद, यहाँ पर निकली है वो तोंदू राम है, तो इस पोजिशन में जब वो फिजिकल कर रहा है, बहुत ज्यादा फिटनेस का ध्यान रख रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर उसकी एक अवस्था से क्या हुई, दूसरी अवस्था में वो कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पर अब उसने क्या किया, उसका फिजिकल उस दिन नहीं निकला, उसने क्या किया, वो दौड़ नहीं पाया और क्या हुआ, वहीं बेहोश। अगले दिन से उसने फिजिकल बंद। अभी क्या हुआ था, ले देकर बड़ी मुश्किल से वो क्या हुआ था, फिट तुस्त चंदुरुस्त सब तरीके से उसने अपने आप को, बॉडी को एक तरीके से वो देखते हैं ना, अवस्था परिवर्तन उसकी हो चुकी थी, कोई उसको पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन जिस दिन उसने अब फिजिकल करना बंद किया, तो वापस से वो वही तोंदू राम वाली अवस्था में आ चुका, वापस से उसने वही रूप धारण कर लिया। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फिजिकल चेंज। आया समझ, क्या बोला जाता है इसको, फिजिकल चेंज। जैसे कि लड़कियां हैं शादी के टाइम तो क्या है, बड़ी बड़ी एक्सरसाइज करने लगती है, जिम जाने लगेंगी, तो उनकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है, और शादी के बाद उनकी अलग अवस्था परिवर्तित हो जाती है, मतलब थोड़ी सी हेल्दी हो जाते हैं, कुछ कुछ खाते पीते हैं ना। तो यहाँ पर इसको बोला जाता है फिजिकल चेंज, वापस से वही अवस्था में आ जाना। केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज मतलब आपकी अवस्था परिवर्तित नहीं होगी, आप कुछ भी कर लो, है ना, अवस्था परिवर्तित नहीं होगी। जैसे कि आप क्या मान लो, जैसे कि आपने क्या किया, केमिकल चेंज में मान लो शक्ल, जैसे जीन है, क्लोनिंग की मान लो हमने क्या किया, क्लोनिंग की यहाँ पर, तो यहाँ पर मान लो हमने क्या बना लिया, बकरी से भेड़ बना ली, क्लोन कर करके बकरी की एक और बकरी बना ली, बकरी से भेड़ कैसे बनेगा। तो यहाँ पर अब इस बकरी को वापस से उसी बकरी में चेंज नहीं किया जा सकता, यहाँ पर उसके क्या है, रूप रंग आकृति हर चीज में क्या हो चुका, चेंज हो चुका। जैसे कि जलना, कागज जल गया, कागज का जलना दोस्तों क्या होता है, हमारी कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। जलना कोई सी भी रिएक्शन है वो किसके अंतर्गत आएगा, केमिकल चेंज के अंतर्गत आएगा, नहीं तो आप यहाँ पर कुछ का कुछ लगाया। दूध से दही, वापस से दही से दूध नहीं बनाया जा सकता, है ना, नहीं तो आप सोचो आज फट गया दूध, वापस से दूध बना कर लाओ, मम्मी ने बोला दूध गर्म कर लेना, आप भूल गए, मोबाइल में लगे हो, और दूध किसमें कन्वर्ट हो गए, सुबह होके आपने गर्म करना भूले, दही में कन्वर्ट। जब वो दही बना, मम्मी ने बोला वापस दूध कर इसको, तेरे वजह से आज पूरा दूध फट चुका है, 4-5 लीटर दूध था पूरा खत्म, स्वाहा। अब फिर आपको जो मार पड़ेगी वो आप सोच भी सकते हो। तो यहाँ पर ये किसके अंतर्गत आएगा, हमारा केमिकल चेंज के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना आंख की सतह है। अब यहाँ पर आपसे किसके बारे में पूछा जा रहा है, रेटिना के बारे में आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है ना। अब यहाँ पर अगर हम आंख की बात करें, किसकी बात करें, आंख की बात करें, तो इसमें दोष होते हैं, देखो कौन कौन से दोष होते हैं, एक तो होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। कौन सा होता है, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। निकट की वस्तुओं में जब हम किसी के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, जैसे चाहे वो इंसान हो या फिर भी कोई भी चीज हो, तो क्या होने लगता है, पहले जब हम किसी के घर जाते हैं, मान लो कोई हमारा नया नया दोस्त बना है, एग्जाम्पल देती हूँ आपको, कभी नहीं भूलोगे, कोई नया नया हमारा दोस्त बना है, तो हमें वो क्या खिलाएगा, जैसे हम उसके पहली बार घर गए, तो वो हमारे सामने इतनी बड़ी टेबल थाली परोस के रख देगा कि ये खाओ वो खाओ ऐसा वैसा, बहुत स्वागत होगा हमारा। या फिर नया नया घर का कोई दामाद है, तो उसका क्या होगा, बहुत ज्यादा स्वागत होगा। लेकिन जैसे जैसे वो उन लोगों के क्लोज आते जाते हैं, मतलब उनको 4 साल 5 साल 7 साल 10 साल बीते, जब वो टाइम पीरियड उनका बीत चुका, तो फिर होना शुरू हो जाता है अपमान। क्या शुरू हो जाता है, फिर आपको कोई नहीं पूछेगा, होता है कि नहीं होता। तो क्या होना शुरू हो जाता है, अपमान होना शुरू हो जाता है जब हम बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। फिर तो है ना, अभी नया नया दोस्त आपको अपने सामने खुला नहीं है, ओपन नहीं हुआ, तो वो आपको गालियां भी देने देगा, बाद में वो अपने असली रंग दिखाएगा, और आपको जो गालियां देकर बात करेगा, सुशोभित करेगा, आप सुन भी नहीं सकते। ये चीज होती है ना, ये चीज होती है कि नहीं होती, मतलब इतनी गालियां देगा कि क्या ही है, आप सुन भी नहीं सकते। यस और नॉट, एग्री? तो यहाँ पर जब हम बहुत ज्यादा क्लोज होते जाते हैं, तो हमारा क्या होता है, अपमान होता है, होता है कि नहीं होता। तो जब वो चीज अपमान होती है, तो अपमान से लिख लो अव, अव मतलब अपमान, मतलब अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में जिस लेंस का यूज किया जाता है, वो कौन सा लेंस है आपका, अवतल लेंस। आई होप नहीं भूलोगे। तो फिर इसका जस्ट अपोजिट कर लो, तो कि दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का यूज किया जाता है, उत्तल लेंस का। दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज होता है हमारा, उत्तल। याद हुआ? अब क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में हमें क्या है, जो दोष होता है निकट का तो साफ दिखाई देता है, लेकिन दूर का साफ
नहीं दिखाई देता, निकट का साफ लेकिन दूर का साफ नहीं, जस्ट अपोजिट होता है। इसी तरीके से जो दोष है इसमें भी दूर का साफ दिखाई देता है, निकट का नहीं। दूर का साफ और निकट का हमें साफ यहाँ पर दिखाई नहीं देता, ये चीज याद रखनी है। और आंखों में जो रोग होता है उसको क्या कहा जाता है, ट्रेकोमा। ट्रेकोमा क्या होता है दोस्तों, हमारा किसका रोग होता है, आंखों का रोग हमारा ट्रेकोमा होता है। ये चीज आपको याद रखनी है कि ट्रेकोमा आंखों का रोग है। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया क्या है, हमारी आंखों के रोग का कारण है। इतना सबको याद हुआ, ट्रेकोमा आंखों का रोग है, क्लेमाइडिया इसके रोग का कारण होता है। और यहाँ पर पलकों में खुजली होती है। इसके अलावा देखो ट्रेकोमा में क्या हो जाता है, पलक जो होती है उसमें आप बार बार खुजलाने लगते हो, तो पलकों में क्या होती है, इसकी वजह से खुजली होती है, इसकी वजह से। और इसके अलावा आपको याद रखना है, जो इराक है वो 18वां देश बना है जिसने ट्रेकोमा मुक्त हो चुका है। ट्रेकोमा नहीं है यहाँ पर, इराक क्या है 18वां देश यहाँ पर मना है। इराक क्या बना है, 18वां देश बना है जिसने ट्रेकोमा के लिए ट्रीटमेंट वगैरह हुआ है। हाँ, रेडनेस होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर जो रेटिना होता है वो आंख का कौन सा कलर होता है, ब्लैक, इसका आंसर आएगा। और ये बस आंख के इतने मेन फैक्ट्स हैं जो आपको क्या करने हैं, याद रख के चलने हैं। नेक्स्ट है, बड़ी संख्या में गैसों से युक्त वातावरण को धारण करने के लिए जिम्मेदार कौन होता है। बड़ी संख्या में क्या बोला गया है, गैसों से युक्त वातावरण को धारण करने के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन है जिम्मेदार। हाँ, अभी आंखों की बीमारी चल रही है तो जरा ध्यान दे, कौन है यहां पर बोल रहे हो, हवा कि गैसों से युक्त वातावरण को धारण करने में जिम्मेदार है। तो चलो देखते हैं, आप लोगों का सभी लोगों का गलत आंसर है। पहले तो याद तो करो, हम पढ़ते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह, गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, इसी के कारण वायुमंडल होता है, क्योंकि वो क्या करता है, पूरे के पूरे वायुमंडल को बांधे रखता है। हाँ या ना, है ना, हाँ या ना, आपको पता है ना कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो पूरे के पूरे वायुमंडल को बांधे रखता है। तो इसी की वजह से जो बड़ी संख्या में गैस सारी की सारी कहां पर होती हैं, वायुमंडल में होती हैं, इसी के कारण इसको धारण करने के लिए जिम्मेदार कौन है, तो जिम्मेदार हमारी हवा नहीं बल्कि कौन होता है, ग्रेविटी इसकी जिम्मेदार होती है। ग्रेविटी के कारण क्या होता है, पूरा का पूरा हमारा जो वायुमंडल है वो एक पर्टिकुलर, जैसे कि हमारी क्या है, लेयर्स हैं, तो यहां तक हमें पता है कि इस लेयर तक क्या पाया जाता है, वायुमंडल पाया जाता है, जैसे शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो हमें पता है कि शोभ मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल तक आपका वायुमंडल होगा, फिर आप वायुमंडल नहीं, क्योंकि ग्रेविटी यहीं तक उपस्थित है, उसके बाद ग्रेविटी नहीं होती तो वहां पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपका डी नंबर का आंसर आपका ग्रेविटी आएगा, है ना। आप यहां पर ग्रेविटी के बारे में बात करें, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात करें, तो ये M1 पिंड है, ये M2 पिंड है, दोनों पिंड एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तो इनका गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होगा, g = g, M1 M2, g = m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्या होता है, g समानुपाती m1 m2 और g समानुपाती 1 अपॉन r स्क्वायर, मतलब द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये उनका गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। और इसका मान कितना होता है, 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्या होगा, 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, चलो तो इसका आंसर क्या आएगा, डी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध क्या होता है, जल्दी से आंसर करो, आपस में कोई बात नहीं करेगा, आपको ये बताना है कि दूध क्या होता है, ये आपस में ये मिस्ट्री है, कौन बात कर रहा है ये आपस में, क्या होगा इसका आंसर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर नहीं होता, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। दूध क्या होता है, देखो वैसे जनरली दूध क्या होता है, दूध के बारे में बात करें तो दूध क्या होता है, पायस होता है, लेकिन यहां पर दूध किसका रहता है, पानी का मिक्सचर रहता है, किसमें रहता है, पानी और वहां पर बहुत सारे उपस्थित रहते हैं पदार्थ, उनका क्या रहता है, मिक्सचर रहता है, तो दूध यहाँ पर क्या रहता है, मिश्रण रहता है। अगर हम पदार्थ की बात करें तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका निश्चित द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाता है, आपका पदार्थ। और तीन प्रकार के होते हैं, तत्व होता है,
योगिक होता है और क्या होता है आपका मिक्सचर होता है, तत्व योगिक और मिक्सचर होता है। और चौथी और पांचवी अवस्था आपसे पूछ ली जाए तो आप क्या टिक करोगे, प्लाज्मा होता है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या होता है, प्लाज्मा होता है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये हमारी पदार्थ की पांच अवस्थाएं होती हैं। इतना आपको याद हो चुका। ओके, अब यहां पर क्या है आपका आंसर, दूध का क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, प्लाज्मा इसकी फोर्थ अवस्था होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पर महिला पर्यवेक्षक का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट हुआ है 7 अगस्त से, लाइव प्लस वीडियो लेक्चर है 699 रुपए में, जिसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान का जो पूरा टॉपिक है इसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कंप्लीट योजना है और बाकी के सारे टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगी ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट है, हृदय में दो निचले कक्षों को क्या कहा जाता है, कमेंट चेक करें क्या हुआ है, इसका आंसर बताओ कि हृदय में दो निचले कक्षों को क्या कहा जाता है। सारे के सारे लोग यहां पर आंसर करेंगे, क्योंकि अब आपका हो सकता है कि इनमें से जिसका 12 अगस्त को पेपर है दिल की धड़कन बढ़ जाएंगी, तो सोचो क्या ही होगा। जब यहां पर देखो पूरा का पूरा हृदय के बारे में जानो, हृदय के बारे में अगर हम यहां पर बात करें तो सबसे पहले हृदय जिस झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है उसको क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम झिल्ली इसको कहा जाता है। स्थित कहां होता है, फेफड़ों के बीच में वक्ष गुहा में स्थित होता है, फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में क्या रहता है हमारा हृदय स्थित रहता है। जरा बताओ आपका दिल कितनी बार धड़कता है, अगर किसी को नहीं देखा है तो आपका दिल क्या है जनरली 70 से 80 बार क्या होता है आपका दिल धड़कता है। अगर किसी को देख के ज्यादा स्पीड में धड़के तो बात अलग है, जनरली 70 से 80, वैसे अपना क्या आएगा आंसर एक फिक्स 72 बार, लेकिन किसी को देख लिया तो हो सकता है 80 और 85 भी आंसर आ जाए। इसके अलावा हृदय स्पंदन की दर कितनी होती है, 120 से 80, 80 हमारा क्या होता है लो ब्लड प्रेशर, 120 क्या होता है हमारा हाई ब्लड प्रेशर, 120 से ऊपर है तो हमारा हाई ब्लड प्रेशर, 80 से कम है तो हमारा लो ब्लड प्रेशर। अगर आपसे इसका वजन पूछ लिया जाए, हृदय का वजन कितना होता है जरा बताओगे, इसका वजन कितना होता है, दिल का वजन कितना है, आप कहोगे मैडम इसका कोई वजन नहीं है, बहुत महंगा पड़ जाता है ये लगाना, तो यहाँ पर जो दिल का वजन होता है वो कितना होता है, 300 ग्राम का, सिर्फ इतना छुटकू सा 300 ग्राम का ये वजन है, और अगर किसी से लगाया तो बहुत भारी पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको याद रखना है जो हृदय स्पंदन की दर है वो वायुमंडलीय दाब से कैसी होती है, वायुमंडलीय जो प्रेशर होता है उससे अधिक होती है, क्या होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होती है। इसके अलावा इसमें क्या पाए जाते हैं, दो आलिंद पाए जाते हैं और दो क्या पाए जाते हैं, निलय पाए जाते हैं, दो आलिंद उपस्थित होते हैं और दो निलय उपस्थित होते हैं। और आप हमेशा ध्यान देखना, ये जो ऊपर की तरफ है हमारे ये आलिंद है और ये क्या है हमारे निलय, ये हमारे क्या है निलय, दाया आलिंद बाया आलिंद, दाया निलय बाया निलय, ऊपर के आलिंद और निलय में हमेशा कैसा रहेगा अशुद्ध रक्त, और नीचे की तरफ बाया आलिंद और बाय निलय में हमेशा आपका क्या रहेगा शुद्ध रक्त, सॉरी दाया निलय और बाया निलय इनमें आपका क्या रहेगा हमेशा शुद्ध रक्त यहां पर प्रवाहित होगा, आपको याद रखना है। और इनके बीच क्या उपस्थित होते हैं, बाल्ब उपस्थित होते हैं, तो दादा हमेशा कितने होंगे, तीन दादा तीन होंगे और जो बाबा होंगे हमारे बाबा होंगे दो, हमारे दादाजी कितने हैं तीन और बाबा जी कितने हैं दो, तो दाया आलिंद और दाया निलय, दाया आलिंद और दाया निलय के बीच में ट्राइकस्पेट वाल्व होता है और बाया आलिंद और बाय निलय के बीच में डाइकस्पेट वाल्व होता है, द्वि वलनीय कपाट होता है। तो दादा तीन बाबा दो, दाया आलिंद और दाय निलय के बीच में ट्राइकस्पेट वाल्व और बाया आलिंद और बाय निलय के बीच में मतलब बाबा दो मतलब द्वि वलनीय कपाट या डाइकस्पेट वाल्व यहाँ पर उपस्थित होते हैं। याद करने के लिए, वैसे तो हमें भी एक ही है तो यहाँ पर सिर्फ याद करने के लिए है, तो ये चीज आपको याद करनी है। और यहाँ पर जो ईसीजी कराते हैं अगर हृदय में कुछ गड़बड़ हो जाए तो किसी की वजह से, तो इलेक्ट्रो क्या कराते हैं ईसीजी हम लोग यहाँ पर कराते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, हृदय में दो निचले कक्षों को क्या कहा जाता है, तो हम क्या बोलेंगे इनको, निलय इनको कहा जाएगा। और जो धमनी होती है, धमनी होती है इसमें हमेशा क्या रहता है आपका शुद्ध रक्त बहता है, और यहाँ पर शिरा होती है, शिरा में हमेशा कैसा रहेगा अशुद्ध रक्त फ्लो होता है। लेकिन अगर अपोजिट क्या होगा, पल्मोनरी, पल्मोनरी आ जाएगी तो शुद्ध होगा, पल्मोनरी शिरा होगी तो शुद्ध रक्त यहाँ पर अशुद्ध रक्त फ्लो होगा, मतलब पल्मोनरी या फिर महाधमनी आ जाए तो इसका जस्ट क्या हो जाता है
अपोजिट हो जाता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ बोला जाता है, ईसीजी करवाई जाती है हृदय का अगर कुछ हो जाए तो। ये आपका कंप्लीट हार्ट हो चुका, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है। ईईजी ब्रेन के लिए होता है, ईसीजी हार्ट के लिए होता है, हार्ट के लिए आपका क्या रहता है, ईसीजी होता है ना। और आपसे एक चीज और पूछा जाता है कि हृदय हमारा कितना लीटर रक्त क्या करता है, पंप करता है। सही नहीं दिख रहा है तो देखो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ाओ। यहां पर हृदय हमारा कितना लीटर रक्त पंप करता है जरा जल्दी से बता दो आप। 5 लीटर कृष्णा का आंसर आ चुका, वेरी गुड। तो हृदय जो हमारा रहता है, कहां लिखूं मैं, यहां लिख देती हूं, 5 लीटर प्रति मिनट क्या करता है, रक्त पंप करता है। हृदय क्या करता है हमारा, 5 लीटर रक्त पंप करता है। ये चीज आप लोग याद रखोगे, कंप्लीट हार्ट हो चुका, कोई सा क्वेश्चन आ जाए आप हार्ट टिक कर दोगे। अब नेक्स्ट है, मुख्यतः कितने वर्ष की आयु में मासिक धर्म चक्र बंद हो जाता है, जल्दी से बताओ कितनी एज की आयु में क्या हो जाता है, पीरियड्स आना किसी भी लेडी के बंद हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 45 से 50 साल की अवस्था में पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है मेनोपॉज। क्या बोला जाता है इसको, मेनोपॉज की अवस्था इसको कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोग जनकों के संरक्षण की प्रत्यक्ष विधि है, रोग जनकों के संरक्षण की संचरण की प्रत्यक्ष विधि है। रोग जनक यहां पर आ जाता है तो यहां पर किसके कारण क्या हो जाता है, संचरण की प्रत्यक्ष विधि आपसे पूछ रहा है। प्रत्यक्ष मतलब इसकी वजह से आपको डायरेक्ट रोग, डायरेक्ट आपको यहां पर रोग हो जाता है सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। तो भाई अरे 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 पहले ऑप्शन पढ़ लो दादा। तो यहां पर क्या बोला है कि फोमाइट जैसा बिस्तर, मतलब बिस्तर पर गंदगी है तो आपको बीमारी हो जाएगी, पॉसिबल नहीं है। मच्छरों की तरह वेक्टर, अरे उसको मच्छर काटा है तुम्हें मच्छर काटने से थोड़ी ना बीमारी होगी। नेक्स्ट है, मक्खियों की तरह वाहक ए भी नहीं होता। डायरेक्ट क्या होता है, दूषित रक्त के संपर्क में आना। अगर मान लो एक कोई पर्सन है इसको है, एक ये भाई साहब चले अपने प्यार को, मान लो इनकी कोई गर्लफ्रेंड है वो बीमार पड़ गई, बी नाम की इनकी गर्लफ्रेंड है, इन्होंने बोला इनका और उसका ब्लड ग्रुप सेम है, इनको नहीं पता था इनको एड्स है, उन्होंने अपने प्यार की भावना में बहकर इसको क्या दे दिया, ब्लड डोनेशन कर दिया। बी नंबर के इंसान ने क्या कर दिया, इसको ब्लड डोनेशन कर दिया बेचारी, ये भी इसको भी क्या हो जाएगा, इसको भी हो जाएगा एड्स, क्योंकि यहां पर वो क्या हो चुका, ब्लड डोनेट हो चुका। इनका तो रक्त कैसा था, ए जो भाई साहब थे हमारे, इनका रक्त कैसा था, दूषित रक्त था, क्योंकि इनको क्या था, एड्स था, या फिर इनको क्या था, हेपेटाइटिस था। तो इसको भी क्या हो जाएगा, बी वाले इंसान को भी यहां पर हेपेटाइटिस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, दूषित रक्त के संपर्क में आने से रोग जनकों का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यहां पर क्या हुआ, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुचित स्वच्छता के कारण होने वाली बीमारियों की रोकथाम कर सकता है, क्या है, अनुचित स्वच्छता के कारण। अब यहां पर आपने क्या किया है, कोई भी स्वच्छता आपने धारण नहीं की है ना। तो अब यहां पर स्वच्छता धारण नहीं की और बीमारियों की रोकथाम कर सकता है, तो देखो बस्तियों का अनियमित विकास, भोजन के दूषित होने पर कड़ी निगरानी रखना, स्वच्छ पेयजल की कमी या उचित शौचालय की कमी, क्या होगा इसका आंसर। गुड आफ्टरनून निशा, देखो यहां पर क्या बोल रहा है, स्वच्छता हमने नहीं रखी अनुचित स्वच्छता के कारण, कोई स्वच्छता नहीं है तो बीमारियों की वो रोकथाम कर सकता है। तो देखो बस्तियों का अनियमित विकास है, बीमारी रोकथाम कैसे होंगी, भोजन के दूषित होने पर, भोजन दूषित हो चुका लेकिन अगर हम उस पर रोकथाम निगरानी रखेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हम क्या कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। जैसे कि हम गए हैं किसी की शादी ब्याह में और हमें लग रहा है कि अगर हम ये रसमलाई खा रहे हैं और इस रसमलाई में अजीब सी बदबू आ रही है, ये क्या है, खराब हो चुकी, लेकिन इसको सामने वाला इंसान परोस रहा है लेकिन हमारी जीभ बहुत तेज है और हमने पहचान लिया, तो हम क्या करेंगे, उस पर निगरानी रख के उसको आगे सर्व करवाने से मना कर देंगे, जिससे क्या नहीं होगी, फूड पॉइजनिंग होगी नहीं। तो फूड पॉइजनिंग से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जो हमारे शादी ब्याह में मेहमान आए हैं उनको बचा सकते हैं। बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, भोजन के दूषित होने पर उसकी निगरानी करके बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं। तो अनुचित स्वच्छता के कारण तो भोजन दूषित हो चुका लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसको रोकथाम कर सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा,
बी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, कामला किसका दूसरा नाम है? इक्टेरस इज अनदर नेम ऑफ, कामला किसका दूसरा नाम है बताओ? कामला, यहां पर आपने बोला कि कमली कमली दिल, तो आपका मतलब मैं कमली कमली, आपको कैटरीना कैफ का गाना याद आ रहा है, लेकिन यहां पर जो कामला आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, किसका दूसरा नाम है, तो आप क्या बोल रहे हो? बुखार का, है ना? आप क्या बोल रहे हो यहां पर? बुखार का मैडम दूसरा नाम है ये कामला। सी नंबर का है, कमला बुखार है। अच्छा, क्या होगा इसका आंसर? लेकिन हंटा वायरस है, कमला पसंद नहीं है। अच्छा, तेरी पसंद कमला, वो वाली जो कमला सुपाड़ी आती है, उसके बारे में बात कर रहे हो? कमला किसका दूसरा नाम है? यहां पर कमला नहीं है, पहले तो क्या बोला गया है आपसे? कामला बोला गया है। क्या बोला गया है? कामला बोला गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल, ये क्या होता है? फीवर का दूसरा नाम होता है। अक्टेरस क्या होता है? यहां पर फीवर का दूसरा नाम होता है। टाइफाइड आपको पता है दोस्तों, टाइफाइड किसकी वजह से होता है? साल्मोनेला टाइफी की वजह से क्या हो जाता है? टाइफाइड प्रभाव हो जाता है, साल्मोनेला टाइफी। और क्या प्रभावित होती है? आंत प्रभावित हमारा होता है। हैजा किसकी वजह से होता है? विब्रियो कॉलेरे की वजह से क्या हो जाता है? विब्रियो कॉलेरा की वजह से हमें हैजा हो जाता है। और पीलिया किसकी वायरस की वजह से होता है? पोलियो वायरस की वजह से क्या हो जाता है? हाथ पैर सब पीले पड़ जाते हैं। तो यहां पर क्या होगा? पीलिया हो जाता है। पीलिया मतलब पीला शरीर एक तरीके से, है ना? तो इसका आंसर क्या आएगा? सी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, जो भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है उसके लिए सीएमसी इंदौर की तरफ से 999 रुपए का कंप्लीट आपको कोर्स है, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर है। इसी तरीके से शुभम सर और गौरव सर का कंप्लीट कोर्स आपको 299 रुपए में मिल रहा है, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर प्लस पीडीएफ मिलेगी, टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, कंपन का आयाम जितना होता है ध्वनि उतनी ही तेज होती है। तो यहां पर आपसे क्या बोला है? कंपन। कंपन क्या होता है? जैसे कि मान लो आपने क्या किया है, आपको लाउड स्पीकर आप चला रहे हो, लाउड स्पीकर चला रहे हो, तो यहां पर क्या हो रहा है? पूरा का पूरा जो रूम है वो आपका क्या कर रहा है? वाइब्रेशन कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो यहां पर जब आपका पूरा रूम वाइब्रेट कर रहा है तो आपको क्या दिखाई देगा? मान लो आपको यहां पर क्या दिखाई देगा जब आपका, आपने घर में लाउड स्पीकर चलाया है और लाउड स्पीकर के बाद फुल वॉल्यूम में, कैसे वॉल्यूम में? फुल वॉल्यूम में अगर आपने लाउड स्पीकर चलाया है तो आयाम मतलब ध्वनि जितनी अधिक होगी, आयाम मतलब जितनी बार वो क्या है, रिपीटेशन होगा, आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि भी हमें उतनी ही तेज सुनाई देगी। तो यहां पर क्या होगा? ए नंबर का ऑप्शन इसका आंसर होगा। और ध्वनि सर्वाधिक कहां पर होती है? इस्पात में। कहां पर होती है? इस्पात में ध्वनि सर्वाधिक होती है। 332 मीटर पर सेकेंड हमारी किसमें होती है? वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड आती है, कहीं कहीं 330 आ जाती है, कहीं कहीं 334 आ जाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 332 आएगा। इसके अलावा ध्वनि के बारे में याद रखना है, ठोस द्रव गैस तीनों में संचरित होती है। कहां पर? ठोस द्रव गैस तीनों में संचरित होती है। नेक्स्ट है, कौन सी गतिविधि हमारे शरीर की शारीरिक फिटनेस को बढ़ा सकती है? ऐसी कौन सी गतिविधि है? 300 में बोला ना, कहीं कहीं 330, 31, 32 कुछ भी आ जाता है। तो यहां पर आपसे क्या बोल रहा है? कौन सी गतिविधि हमारी शरीर की शारीरिक फिटनेस को बढ़ाने का काम करती है? तो आपसे क्या बोला जाता है? रोज अगर आप एक्सरसाइज करोगे, रोज एक्सरसाइज करोगे तो यहां पर आपकी फिटनेस बढ़ सकती है। अब अच्छा मुझे ये बताओ, विश्व योग दिवस कब मनाते हैं? विश्व योग दिवस कब मनाते हैं? कब मनाते हैं विश्व योग दिवस? कौन बताएगा? 21 जून को क्या मनाया जाता है? योगा डे मनाया जाता है।
है ना, आपने देखा होगा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, बढ़िया मैट वैट लेके योगा करते हैं, बाबा रामदेव भी शुरू हो जाते हैं और रेगुलर फिटनेस हमारी शुरू होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा व्यायाम। अच्छा ये बताओ मुझे, पतंजलि ने क्या किया था? तो पतंजलि किसके जनक माने जाते हैं? योग के जनक कौन माने जाते हैं? पतंजलि माने जाते हैं। कौन है अगर आपसे पूछा जाए योग के जनक कौन है, तो हमारे पतंजलि को योगा के जनक माना जाता है। 2023 की थीम तो तुम ही बता दो भाई, इतना भी याद नहीं रहता हमको। 2023 की थीम कमेंट कर दो, जिसको भी याद है कि क्या थी 2023 योगा की थीम। नेक्स्ट है, एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरे पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? यहां पर एक वस्तु आवेशित है और उसके कारण दूसरी वस्तु पर जो फोर्स लगता है उसको क्या कहा जाता है? आवेशित वस्तु की बात हो रही है, स्वस्थ रहना मानवता के लिए योग, ये थी थीम। अब याद आया यहां पर इसकी थीम क्या थी, 21 जून को जो हमारा योगा डे बनाया जाता है, इसकी थीम थी मानवता के लिए योग, मानवता के लिए योग, है ना। एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरे पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, याद हुआ? चलो नहीं हुआ आपको तो मैं बताती हूं कि एक यहां पर क्या है, आवेशित वस्तु है, इसमें आ रहा है धड़धड़ाता हुआ करंट। क्या आ रहा है करंट? जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो ना, आपके मोबाइल में चार्जर लगाने के लिए आपने क्या है, प्लग, प्लग में क्या आ रहा है, करंट आ रहा है, करंट है ना। अब यहां पर क्या बोला जाता है, यहां पर ये हो आप, ये आप हो, ठीक है। अब आपने क्या किया है, इस प्लग में उंगली डाल दी, तो आपको भी क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, क्योंकि यहां पर जो मानव शरीर क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। कैसा होता है मानव शरीर? विद्युत का चालक होता है, पूरा जो करंट से वाइब्रेशन होता है ना, हिल जाते हैं। तो हमें नहीं पता कौन है, बना दिया मैंने। तो यहां पर जो विद्युत चालक होता है, तो मानव शरीर विद्युत का चालक होता है, तो यहां पर ये आवेशित वस्तु है, कौन सा हमारा, मान लो प्लग है, तो इसके कारण जो तार पकड़ा, तार नहीं पकड़वाया, यहां पर क्या है, हमने क्या किया है, यहां पर हमने इस प्लग के अंदर उंगली डाल दी, तो इसकी वजह से पूरा शरीर क्या होने लगा, वाइब्रेट होने लगा। तो ये क्या है, एक आवेशित वस्तु दूसरी आवेशित वस्तु पर जो बल लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स बोला जाता है, उसको विद्युत बल बोला जाता है। क्या है, उसको विद्युत बल इसको बोला जाता है। और गुरुत्वाकर्षण बल किसको बोला जाता है, जो यहां पर दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे को खींचने के लिए बल लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी पर जो आकर्षण बल होता है जिसके कारण हम खड़े हो पाते हैं, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स उसको कहते हैं। अब बात आती है मैग्नेटिक फोर्स के, इसको कहते हैं जो नॉर्थ और साउथ पोल है, नॉर्थ और साउथ पोल है, और इसी तरीके से दूसरी चुंबक है नॉर्थ और साउथ पोल की। तो यहां पर जो नॉर्थ और नॉर्थ पोल है तो प्रतिकर्षित होंगे, और नॉर्थ और साउथ पोल क्या होंगे, आकर्षित होंगे। किसी को इसमें कोई दिक्कत है क्या, या फिर मैं इसे अपनी ट्रिक से समझाऊं? जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, देखो ये मैग्नेट है, इसका इधर का नॉर्थ पोल है और इसका साउथ पोल है। ये मैग्नेट आपस में कब अटैच होंगी, ये इसका साउथ पोल हो और इसका क्या हो, ये नॉर्थ पोल हो, तो ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, यहां पर अटैच हो जाएंगी। मतलब हमेशा क्या होता है, विपरीत आवेश है उनके, कैसा होता है, विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है, और समान आवेशों के बीच क्या होता है, हमेशा समान आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण यहां पर होता है। जैसे कि मान लो दो समान विचारधारा के व्यक्ति कभी एक साथ नहीं बैठ सकते, उनकी लड़ाई होगी ही होगी। तो यहां पर अगर एक व्यक्ति यहां पर मान लो एक अलग विचारधारा रखता है, दूसरा व्यक्ति थोड़ी कम अलग विचारधारा रखता है, तो दोनों के जो विचार हैं एक कंक्लूजन बन सकता है, लेकिन समान विचारधारा व्यक्ति वालों का कंक्लूजन कभी नहीं बन पाएगा। तो यहां पर अट्रैक्शन हमेशा अपोजिट अट्रैक्ट हम देखते हैं, तो वही चीज यहां पर फॉलो होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर का ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के विभिन्न स्तरों के बारे में गलत है? जैव विविधता के स्तरों के बारे में गलत आपसे पूछा गया है, तो गलत क्या है, आनुवांशिक विविधता होती है, पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता होती है, प्रजाति होती है, या परिस्थिति की विविधता होती है? क्या गलत बताया है जरा बताओगे, क्या चीज गलत बता दी? इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बताओ फटाफट से क्या होगा।
तो यहां पर क्या होता है, इकोलॉजी डाइवर्सिटी इसके अंतर्गत नहीं होगी, जैव विविधता में परिस्थिति की डाइवर्सिटी नहीं होगी, बाकी पारिस्थितिकी तंत्र विविधता होगी, अनुवांशिक विविधता होगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी और स्पीसीज डाइवर्सिटी के बीच में होगा। ये तीनों चीज हमारे जैव विविधता के अंतर्गत आएगा। जैव विविधता अधिनियम कब आया था आपको याद रखना है, 2002 में आया था। पारिस्थितिकी तंत्र की खोज किसने की थी, अर्नेस्ट हेकल ने की थी। ईजी टांसले ने शब्द दिया है, आपको ये नाम याद रखना है, ईजी टांसले का याद रखना है, अर्नेस्ट हेकल का याद रखना है। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक आपको रामदेव मिश्रा याद करके चलना है, रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी का जनक इनको कहा जाता है। तो ये चीजें आपको याद रख के चलनी है, ये तीनों नाम आपको महान पुरुषों के याद रखने हैं। और भारत में चार पारिस्थितिकी स्थल है, चार जैव विविधता के स्थल है, ये आपको याद रखना है। कौन कौन सा है, एक तो हमारा पूर्वी हिमालय है, पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय पश्चिमी घाट, इंडो वर्मा है और सुंडालैंड है, इंडो वर्मा है और सुंडालैंड, ये चार जैव विविधता स्थल आपको भारत के याद रखने हैं। भारत में टोटल चार जैव विविधता स्थल है, ये चीजें आपको यहाँ पर याद करके चलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अभिकथन है, कार्प और समुद्री घोड़ा बोनी मछली होती है, कार्प और समुद्री घोड़ा बोनी मछली होती है और उनके पास चार जोड़ी क्या होते हैं, गलफड़े होते हैं, तो ये चीज यहाँ पर क्या है बताओ। क्या होता है बताओ, कार्प और समुद्री घोड़ा बोनी मछली, कार्प और समुद्री घोड़ा बोनी मछली होती है और उनके पास चार जोड़ी क्या होते हैं, गलफड़े होते हैं। समुद्री घोड़ा घोड़ा नहीं है जो समुद्र में चलता है, ये क्या होता है मछली वर्ग के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर का ऑप्शन आर ए के लिए सही कारण है, तो डी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको कंप्लीट कोर्स 299 रुपए में है, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, लेक्चर्स की पीडीएफ मिल रही है। साथ ही गौरव सर का मैथ है, आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर 499 रुपए में कंप्लीट मैथ है, 10:30 से आपको वो पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है पाइनस की पत्तियां कैसी होती हैं। देखो पाइनस में क्या होते हैं, पहले पंख होते हैं, कल ही पढ़ाया था पाइनस में, कल आपको पंख का क्वेश्चन आया था, आज आपसे पूछा गया इसकी पत्तियां कैसी होती हैं, तो चतुर्भुज होती हैं, समतल कॉर्डेटा, निडल की तरह होती हैं या फिर स्केल की तरह होती हैं। पत्तियां पाइनस की कैसी होती हैं, पाइनस और साइकस, पाइनस और साइकस हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत, ये दोनों हमारे आते हैं, ये दोनों प्रजाति किसके अंतर्गत आती हैं, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत हमारी ये दोनों प्रजाति आती हैं। कैसे होते हैं, नग्न बीजी ये होते हैं, नग्न बीजी होते हैं। अब इसकी पत्नियां कैसी होती हैं, तो आपने देखा होगा कांटे चुभ जाए है ना, तो कांटे की तरह या सुई की तरह इसकी पत्नियां होती हैं, तो सी नंबर का ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका लोलेगो किससे संबंधित है, लोलेगो बताओ, लोलेगो किससे संबंधित है, स्टडी, हेलो स्टडी आई 10, क्या बात है। नागफनी क्या करता है, नागफनी एक ऐसा पौधा होता है, मतलब उसमें पानी की कमी वाली जगह पर रुकता है और वो अपनी पत्तियों को कांटों में रूपांतरित करके चलता है कि यहाँ पर जैसे कम पानी है तो यहाँ पर कांटों में कम पानी लगेगा, तो यहाँ पर उसमें कांटों में के रूप में वाष्पोत्सर्जन होता है वहां पर। देखो यहां पर लोलेगो क्या है, इस तरीके से है सबसे पहले तो, है ना, फिर यहां पर जो लोलेगो है उसमें ऐसे और बन जाता है, ऐसे ये लोलेगो क्या बन जाता है, ये लोलेगो बन जाता है। अब ये है क्या, डी लग रहा है, अरे डी नहीं लग रहा है, ये क्या लग जाता है, ऐसे बन जाता है ये, इसके दो दो चौंचे से निकल जाते हैं इसके, ये गलफड़े वलफड़े नहीं, मछली नहीं है। और लोलेगो क्या होता है, लोलेगो हमारा मोलस्का वर्ग के अंतर्गत आता है। मोलस्का में जैसे कि आपका हाइड्रा आता है, जेलीफिश आता है, इसी तरीके से आपका क्या आता है, लोलेगो, ये क्या आती है, लोलेगो आती है ना, ऑक्टोपस जैसा, मतलब ये इस तरीके से ये निकले रहते हैं, सही से बना ऐसे, है ना, इस तरीके से इसमें ये निकले रहते हैं। तो ये क्या है, यहां पर लोलेगो पहली बार सुनी है, पहली बार ही हमने पेपर में देखी है,
आपसे, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो कुछ तो नया मिलेगा, तो यहां पर इसका आंसर क्या आएगा, ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एनसाइक्लोमेटा का संबंध किससे है, एनसाइक्लोस्ट्रोमेटा का संबंध किससे है, एनसाइक्लोस्ट्रोमेटा का संबंध किससे है, जल्दी से बता दो। देखो यहां पर एनसाइक्लोस्ट्रोमेटा का संबंध किससे है, ये आपको आंसर में टिक करना है। क्या होगा इसका आंसर, यहां पर जो एनसाइक्लोमेटा होता है वो हमारा निमेटोडा वर्ग के अंतर्गत आता है, और निमेटोडा वर्ग के अंतर्गत कौन से आते हैं, गोलकृमी आते हैं। गोलकृमी मेनली क्या आते हैं, राउंड वर्म आते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, आपने देखा होगा वुचेरेरिया ब्रैंकफटाई, वुचेरेरिया ब्रैंकफटाई हमारा किसके अंतर्गत आता है, निमेटोडा वर्ग के अंतर्गत आता है। इसके कारण इसी में क्या आता है, हाथी पांव, जिसकी वजह से हमको हो जाता है। तो ये वर्ग किसके अंतर्गत आता है, निमेटोडा वर्ग के अंतर्गत आता है। प्लेटी हेलमंतीस में हमारे कौन से आते हैं, चपटे क्रमी प्लेटी हेलमंतीस के वर्ग के अंतर्गत आते हैं, और जिनमें कौन सी सिमिट्री होती है, द्वि आकार की सिमिट्री होती है। कैसी होती है, द्वि आकार की इसमें होती है ना। पोरीफेरा किसमें होते हैं, जिसमें छिद्र पाए जाते हैं, पोरीफेरा किसमें पाए जाते हैं, जिसमें छिद्र पाए जाते हैं, वो सारे जीव किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे यहाँ पर पोरीफेरा वर्ग के अंतर्गत पूरे के पूरे जीव आते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है। और इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे कि स्पंजला, स्पंज वाले, जैसे कि पूरे के पूरे जो स्पंज वाले होते हैं, यू स्पंजिया होता है, बात स्पंज होता है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे पोरीफेरा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो आपको क्या होगा, इसका आंसर ए नंबर का ऑप्शन इसका आंसर है। हेलो सपना, रेगुलर क्लास लो। नेक्स्ट है, नाखूनों का बढ़ना एक कौन सा परिवर्तन होता है, नाखूनों का बढ़ना, आपसे ये नाखून पूछे जा रहे हैं, तो नाखूनों का बढ़ना ये कौन सा चेंज है, यहां पर क्या है, अर्थवॉर्म एनालिडा। देखो नाखूनों का बढ़ना यहां पर कौन सा परिवर्तन है, एनसाइक्लोस्ट्रोमेटा। तो एनसाइक्लोस्ट्रोमेटा क्या है, हमारा जीव के अंतर्गत आएगा, जो कि किसके अंतर्गत आएगा, निमेटोडा वर्ग के अंतर्गत आएगा, है ना। इसमें क्या होता है, जैसे कि जलीय स्थलीय इन जीवों पर पाए जाते हैं, तो एक जीव है जो कि किसके अंतर्गत आएगा, निमेटोडा वर्ग के अंतर्गत आता है। नाखूनों का बढ़ना कौन सा चेंज है, जिसका ओपन हो चुका है, तो जरा मुझे ये बता दो आपका कांस्टेबल का पेपर किसका पहली शिफ्ट में है, किसका इंदौर में है, उनका सेंटर कहां पर है, है ना, जल्दी से बता दो। किसी का खुला या कोई बताएगा, मैडम नहीं पता, मत पूछो। अच्छा अनिल, आपका सेंटर क्या, किसमें आएगा, नाखूनों का बढ़ना फिजिकल एक्टिविटी पहली तो नहीं होती, पहली चीज है ना। अब देखो नाखून बड़े हैं तो नाखून बढ़ते हैं, चले जाते हैं, फिर से बढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं है किसी के नाखून ये चुड़ैल जैसे इतने बड़े बड़े नाखून हो जाते हैं, नहीं होते ना। नाखून बड़े, नाखूनों को कट करोगे, वापस से नाखून आ जाएंगे, तो ये कैसा होता है, एक परिस्थिति के बाद पुनः दूसरी परिस्थिति, फिर वापस से वही परिस्थिति, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको हम पेरियोडिक चेंज इसको कहते हैं। तो ए नंबर का ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या है इसका, ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ गर्ल्स के होते हैं, तुम लोग नहीं बढ़ाते हो, गर्ल्स तो बढ़ाती हैं, नेल पेंट भी लगाने का शौक होता है, तुम थोड़ी ना नेल पेंट लगाओगे, लगा लोगे तो तुम्हें क्या ही बोला जाएगा। तो यहां पर ये शौक गर्ल्स के हैं, तो कृपया करके जो उनके शौक है वो बने रहने दीजिए, आप मत करिए ना, आपसे किसने कहा करने के लिए। तो यहां पर जो नाखूनों का बढ़ना किसके कारण, किसको बोला जाता है, इसको आवधिक परिवर्तन इसको कहा जाता है, पीरियोडिक चेंज इसको कहेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक फल नहीं है बल्कि एक सब्जी है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है फल नहीं है लेकिन क्या है, सब्जी है। तो लड़की के साथ रहो मत धनंजय, अगर तुम्हारा खर्च होता है तो, अब लड़की के साथ रहोगे तो खर्चा तो होगा, मत रहो, किसने कहा है, क्योंकि लड़कियां आजकल इंडिपेंडेंट है ना, तुमसे तो पैसे मांगे नहीं है। अब जैसे मैं हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैंने किसी से पैसे तो मांगे नहीं है, तो किसी को क्या लेना देना मैं खर्चा करूं नहीं करूं, भाई मैं तो करूंगी, गजब लोग हो। इसका आंसर बताओ कि यहां पर कौन एक फल नहीं बल्कि एक सब्जी है। तो भाई जो हमारी जो ककड़ी होती है, कुकुम्बर होता है, वो फल भी है सब्जी भी है, जामुन फल भी होता है, जामुन की सब्जी भी है। तो यहां पर, और बेल पीपर फल है सब्जी है, लेकिन जो रूहर्ब होता है, रूहबर्ब होता है, ये हमारा कहां पर मिलता है, हिमालय में हमको देखने को मिलता है, और ये फल नहीं होता केवल सब्जी होता है। और कृपया करके जिन लोगों को पेट में पथरी है,
जिन लोगों को पथरी होती है, जिन लोगों को स्टोन होता है, उनको ये वाली सब्जी नहीं खानी चाहिए क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। लेकिन हाँ, अगर आपको विटामिन चाहिए, आयरन चाहिए, तो आप ये सब्जी खा सकते हो। विटामिन आयरन के लिए आप ये सब्जी खा सकते हो, लेकिन अगर पथरी की समस्या है तो इस सब्जी को खाने से बचना चाहिए। हिमालय सिक्किम वाले रीजन में हमको ये सब्जी देखने को मिलती है। कौन सी? रूबर, है ना। तो आपको क्या याद रखना है, डी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर आएगा। क्या आएगा? डी नंबर का ऑप्शन आंसर आएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एमपीटेट वर्ग 2 के लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर है हिंदी इंग्लिश का, ₹299 में, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल के फिल इन द ब्लैंक्स को मापन के लिए बीकर ग्लास का उपयोग किया जाता है। तरल का हम किसका नापते हैं? तो हम बीकर ग्लास का यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, तरल का हम क्या नापते हैं? वॉल्यूम मेजर करते हैं, है ना। तरल का क्या करते हैं हम? यहाँ पर वॉल्यूम मेजर करने का काम करते हैं। और इसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम बीकर का यूज करते हैं। आयतन की अगर आप बात करो तो मीटर क्यूब हो जाएगा, ताप का केल्विन हो जाएगा। ताप का क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट आपका केल्विन हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट है, यौवन आरंभ में टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? हार्मोन होता है। प्रोजेस्टेरोन महिलाओं में होता है, टेस्टोस्टेरोन किसमें होता है? प्रोजेस्टेरोन महिलाओं में हार्मोन स्थापित होता है, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में स्थापित होता है। और यहां पर किसका उत्पादन होता है? तो टेस्टोस्टेरोन में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन वृषण का उत्पादन आरंभ हो जाता है, टेस्टिस का। और जो एडम एप्पल आपको याद रखना है, ये केवल किसमें पाया जाता है? एडम एप्पल पुरुषों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पुरुषों में एडम एप्पल पाया जाता है। और सीबीसीएस ग्लैंड हमारी कहां पर पाई जाती है? त्वचा में हमारी सीबीसीएस ग्लैंड पाई जाती है। त्वचा में क्या होता है? सीबीसीएस ग्लैंड पाई जाती है। नेक्स्ट है, से अधिक का तापमान शरीर के तापमान को इंगित करता है, व्यक्ति का बुखार है। यहां पर अगर इससे अधिक टेम्परेचर है तो हमें क्या है, हमें क्या याद रखना है? इससे अधिक का टेम्परेचर मतलब कि फीवर है। क्या है? फीवर है। तो यहां पर क्या पाया जाता है? उससे अधिक का तापमान मतलब आपको बुखार है। तो आप सब लोगों ने गलत कर दिया, सबका यहां पर गलत आंसर है। पहले तो मुझे ये बताओ, जो मानव शरीर का तापमान होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। आपको 37 डिग्री सेल्सियस अगर मान लो अभी हमारा टेम्परेचर जो है वो कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब हमें बुखार नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है तो शरीर का तापमान इंगित करता है और बोलता है कि व्यक्ति को क्या है? बुखार है। तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल फटाफट से पलटी मार ली आप सब लोगों ने, तो यहां पर इसका आंसर डी नंबर का ऑप्शन होगा। मतलब आपका टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है, इससे अधिक का तापमान, इससे अधिक का शरीर का तापमान इंगित करता है। मतलब ये आपका तापमान शरीर को इंगित करता है और बताता है कि हमें बुखार है। 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कभी नहीं बताता कि क्या है? बुखार है। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी नंबर का ऑप्शन। थोड़ा सा लॉजिक है, नहीं तो आप 37 ही लगाओगे। 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा, 37 से। ये क्या बोला है? देखो क्वेश्चन बोलो, अ बॉडी टेम्परेचर ऑफ मोर देन इंडिकेट दैट द पर्सन इज हैविंग फीवर। तो मतलब यहां पर अगर मान लो 37 क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, तुम लोगों ने नहीं मारी, एक ने पलटी मार ली। तो 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक का टेम्परेचर क्या इंगित करता है? कि व्यक्ति को बुखार है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, 98.6 वही तो है। क्या बोल दिया मैंने? कुछ गलत बोल दिया क्या? 98.6 ही तो होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। इससे अधिक का टेम्परेचर है तो मतलब क्या है? बुखार है। फसेंगे नहीं, वेरी गुड, सही। तारे किसी ने पलटी मार ली थी, कल्टी मार ली थी उसने। नेक्स्ट है, किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व जल दिवस किसके रूप में मनाया जाता है? अटल तत्व है 37 डिग्री सेल्सियस। विश्व जल दिवस को कब मनाया जाता है? तो यहां पर इसको याद रखना, जो 22 मार्च है, 22 मार्च को क्या है? हमारा विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी नंबर का ऑप्शन, 22 मार्च आएगा, जल दिवस आएगा। जल के बारे में बात करें तो वन ड्रॉप मोर क्रॉप, ये हमारा एक अभियान चला है, वन ड्रॉप मोर क्रॉप, है ना। जल संरक्षण के लिए विजन @47,
विजन एट द रेट 47 मतलब 2047 तक हमने जल संरक्षण के लिए 5R दिए हैं। क्या दिए हैं? 5R हमने दिए हैं, रिड्यूस रियूज फिर रियूज रियूज वॉटर, इस तरीके से हमने क्या दिए हैं यहाँ पर 5R दिए हैं। 22 अप्रैल को बिल्कुल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जल ही जीवन है ये हम बोलते हैं आपको। विजन एट द रेट 47 क्यों आपके पेपर में आप पूछ सकते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड है क्योंकि भोपाल में हुआ है मेनली, इसीलिए आपसे पूछा जा सकता है कि विजन एट द रेट 47 पहले तो किससे संबंधित है, जल से संबंधित है। इसमें जल की क्या है, 5R अवधारणा मोदी जी ने दी है, ये आपसे पूछ सकते हैं। और क्यों पूछ सकते हैं, क्योंकि भोपाल में हुआ है इसीलिए आपको क्या है ये चीजें आपको याद रखनी करनी है। खुल गए एडमिट कार्ड, बताओ किसका पेपर 12 तारीख को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु एक सेकंड में 20 बार दोलन करती है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, 20 बार दोलन करती है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। क्या होगा इसका आंसर, दोलन इक्वल टू आवृत्ति, तो हमारी क्या हो जाएगी 20 दोलन तो 20 ही इसकी क्या हो जाएगी आवृत्ति हो जाएगी, 20 हर्ट्ज इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, एमपीटेट वर्ग 2 के लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर है मैथ और साइंस का, कंप्लीट है आपको 299 रुपए में, लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा, पीडीएफ भी मिलेगी। नेक्स्ट है, रासायनिक प्रतिक्रियाओं और अवस्था संतुलनों में कार्य और गर्मी कैसे परस्पर क्रिया करते हैं इसका अध्ययन करो, कैसे परस्पर क्या करते हैं प्रतिक्रिया करते हैं इसका आपको क्या करना है अध्ययन करना है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो रासायनिक प्रक्रिया है तो रासायनिक प्रक्रियाओं में कार्य और जो हमारी हीट है वो रासायनिक ऊष्मा के अंतर्गत ही अध्ययन करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, रासायनिक ऊष्मा प्रवैगिकी ही क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। देखो सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होते हैं हमारे, सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे अर्धचालक होते हैं, क्या होता है अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक किसे कहते हैं, जो चालक और कुचालक के बीच में काम करते हैं, जो चालक और कुचालक इन दोनों के बीच में काम करते हैं इनको क्या कहा जाता है, अर्धचालक दोस्तों हम इनको कहते हैं, जो चालक और कुचालक के बीच में काम करे। और इसका यूज हम किसमें यूज करते हैं, सेमी कंडक्टर चिप बनाने में, सेमी कंडक्टर में हम क्या करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज करते हैं। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 32 हमारा जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक होता है। ये चीजें आपको यहां पर याद रखनी है। इसके अलावा आप ये बताओ कि जो बंगलोर है, बेंगलोर को क्या कहा जाता है, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो आईटी जो सेक्टर है पूरा हमारा कहां पर बसा हुआ है, बेंगलोर में बसा हुआ है, इसीलिए इसका उपनाम क्या है, सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है दोस्तों, सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है हमारे बेंगलोर को कहा जाता है, सिलिकॉन वैली क्या कहा जाता है हमारे, मंगलोर नहीं है महेंद्र, बंगलोर है बेंगलोर, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर सी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइलम इकाइनोडर्मेटा की विशेषता है, आपसे किसके बारे में पूछा गया है, इकाइनोडर्मेटा के बारे में पूछा गया है, इकाइनोडर्मेटा की विशेषता बता दो दोस्तों फटाफट से, इकाइनोडर्मेटा गूगल क्रोम में साइट ओपन नहीं होता, ईएसपी डालो, ईएसपी पर जाकर अपना जो है आप लोग एडमिट कार्ड देखो, ईएसपी डालोगे, ईएसपी पर जाकर अपना एडमिट कार्ड देखो, अपनी मम्मी के नाम के फर्स्ट 2 लेटर डालना है, अपने आधार कार्ड के लास्ट 4 लेटर या स्टार्टिंग के 4 लेटर डालना है, तो एक बार देख लेना कौन से लेटर डालना है, डेट ऑफ बर्थ से नहीं खुलेगा आपका एडमिट कार्ड, इनसे खुलेगा, है ना, मम्मी के नाम के स्टार्टिंग के 2 लेटर और यहाँ पर आधार कार्ड के लास्ट के 2 लेटर, ये आपको डालना है, उसी से क्या करना है लास्ट लेटर आधार कार्ड का क्या करना है आपको लास्ट में, जैसे कि किसी का आधार कार्ड मान लो कितना होता है 12 अंकों का होता है, कितने अंकों का आधार कार्ड होता है 12 अंकों का होता है, स्टार्टिंग में 4 रहता है, बीच में 4 रहता है, लास्ट में 4 रहता है, तो लास्ट के 4 लेटर डालना है और यहाँ पर आपको स्टार्टिंग के 2 लेटर डालना है, तब जाकर आपका एडमिट कार्ड खुलेगा, जिससे भविष्य में क्या है आप किसी की भी डेट ऑफ बर्थ अगर आपको पता है तो आप कभी भी उसका
नहीं खोल पाओ। आपको उसको आधार कार्ड पता होना चाहिए, उसकी मम्मी का नाम पता होना चाहिए, जब जाके आप किसी का एडमिट कार्ड खोल पाओगे और उसके नंबर देख पाओगे। तो ये चीज आपको याद करके चलना है, और देख लेना मम्मी का नाम वही है कि आपने आधार कार्ड में दूसरा डाल रखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पापा के नाम आधार कार्ड में कुछ और रहते हैं, रियल में कुछ और रहते हैं। तो आधार कार्ड में देखना नाम क्या है पहले तो मम्मी का। और यहाँ पर आपने मान लो, जैसे कि मान लो एक्स वाई जेड मम्मी का नाम है, और वहां पे क्या डाल रखा है, जेड वाई एक्स डाल रखा है, आप एक्स वाई डाल रहे हो तो नहीं खुलेगा। तो यहाँ पर ये चीजें देख लेना कि मम्मी का नाम वही डला है कि नहीं डला है ना, वही चीज आपको देख के चलना है कि एज इट इज नाम है। क्योंकि कुछ लोगों का क्या रहता है, मान लो घर का नाम कुछ और रहता है, आधार कार्ड में वो नाम आपने कोई दूसरा डाल रखा रहता है, मार्कशीट में कोई दूसरा डाल रखा रहता है, तो आधार कार्ड में जो नाम है उसी से खुलेगा, मार्कशीट से लेना देना नहीं है, इतना याद रखना, और उसी से आपका यहाँ पर खुलेगा। जिन लोगों का 31 अगस्त को पेपर आप लोग बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आधार कार्ड में ओपन ही हुआ होगा ना, एडमिट कार्ड ओपन है। तो जिन लोगों का 12 अगस्त को पेपर है, वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि किनका 12 अगस्त को पेपर है। मेन कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर देना, इस डेट को पेपर है, इंदौर में आपका इस जगह पर सेंटर है। आपका खुल चुका है पंकज, वेरी गुड, आपका खुल चुका है। तो यहाँ पर 19 अगस्त, वही मैं बोल रही हूँ कि किसका किस डेट को पेपर है, मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर देना कि मैम इस तारीख को इस डेट को पर्टिकुलर पेपर है। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहीं पर वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि आपको इस चीज से रिलेटेड डाउट है। और अगर आपको साइंस में भी कोई डाउट होता है कि आपको ये पढ़ने में दिक्कत आ रही है या फिर ये चीज बता दो, तो मैं आपको वहीं पर कमेंट बॉक्स के अंदर वो चीज बता दूंगी। मतलब जरूरी नहीं है उसके लिए अलग से क्लास लाए, आपको वो चीज वहीं पर ही एक्सप्लेन कर दी जाएगी कि ये चीज ऐसा ऐसा होता है ना, तो आप लोग वो चीज भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वाले क्वेश्चन का आंसर देना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इसका आंसर देना है, दो क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये तीन क्वेश्चन, चार और पांच, आपको ये पांच क्वेश्चंस का आंसर क्या करना है वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। 105 स्टूडेंट अभी लाइव हैं, तो सभी लोग पहले तो क्लास को लाइक कर दें, है ना, क्लास को लाइक कर दें। और किसी को क्या है कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकता है, 2 मिनट है उनके पास, कि 2 मिनट के अंदर अगर किसी को कोई डाउट है, कोई चीज पूछनी है तो बता सकते हो। एनीबॉडी एल्स, किसी को कोई डाउट है क्या? चलो नहीं है तो फ्रेंड्स, चलो ठीक है नहीं है तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे 12 बजे। सभी लोगों को टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।